धोनी तुम्हें डालते रहे पीछे जा पीछे जा टेक के पीछे जा तेरे पे एम लेके बैठा है जितना क्लस्टर हम देख रहे थे टीम्स का जो लड़ रहा था आपस में वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स के बाद ही सर्कल के अंदर पहुंचेंगे बट टीएसएम एंटिटी अभी भी ये फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑरेंज रॉक के अगेंस्ट दो प्लेयर्स यहां पे स्लैम इन करते हुए बट वीरू के पास एक अच्छा फ्लैंकिंग पोजीशन था फाइट लेने की कोशिश जी गॉड के अगेंस्ट बट जॉनाथन ने वहां पे एक नॉक निकाला आई थिंक एंड दैट वाजंट अ नॉक दैट वाज अ फिनिश क्योंकि ऑरेंज रॉक के सिर्फ तीन प्लेयर्स अब बचे हैं अगेंस्ट द फोर मैन स्क्वाड ऑफ टीएसएम क्या ये इस बार अपने पिछले गेम के किल्स का रिकॉर्ड बीट करेंगे और शुरुआत यहाँ पे ऑरेंज रॉक से होगी या फिर टीएसएम के लिए एक खराब गेम होने वाला है नेट जिनकी तरफ से फेंके जा रहे हैं उन प्लेयर्स के ऊपर जो कॉम्पाउंड में छुपे हुए वीरू को डैमेज पड़ता हुआ बहुत ढेर सारा उनकी हेल्थ बहुत कम हो कर दी गई है जलजीत को वहाँ पे नॉक डाउन कर दिया गया बाय जॉनाथन एंड आई थिंक फिनिश करके आगे भी मूव इन करेंगे ऑरेंज रॉक जस्ट टू पीपल स्टैंडिंग Scratch that, just one guy standing and that's Viru. And मुश्किल है यहाँ पर पड़ जाएगी वीरू भी spotted है जो टीम पहले second position पर थी उनको पता है वापस से first पर कैसे आना और TSM entity अपना रुख बदल चुकी है एक player बचा हुआ है उनको चारों तरफ से घेर लिया गया एंड वीरू को बिल्कुल spot किया जा चुका है shadow down हो चुका on the other side एंड यहाँ पर कोई दो राय नहीं रहेगी इस बात में कि TSM entity धीरे धीरे ऊपर push करती हुई एंड पैन लेकर जा रहे थे was that a pan shot out there नहीं गन लगी है that's okay that's one of the things and there is a cheeky mood right लगा चुके हैं रिवाइव भी दे रहे हैं पर धीरे धीरे जो नॉक है वो फिनिश किए जाएंगे एंड अब आगे मूवमेंट शुरू हो चुकी है सेल्स के अल्ट्रॉन ने एक प्लेयर को नॉक किया था बट इस फाइट के अंदर सेल्स का खात्मा हो जाएगा इट इज जॉनाथन टाइम एक प्लेयर बचा है अगर जॉनाथन आ जाते और वो आ चुके हैं किल स्पीड काफी अच्छे तरीके से रीड कर चुके हैं टीएसएम एंटी जॉनाथन उनको पता है कि उनके आगे दो प्लेयर्स नॉक्ड है एक ही प्लेयर बचता है कॉज उनको अलाइव काउंटर पता है कि चार अलाइव तो उसमें से एक ही आदमी है और वन वी वन की फाइट जॉनाथन के लिए कोई भी यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है एंड अब फाइनल फाइट आ चुकी है जॉनाथन विल बी टेकिंग इट जॉनी पीछे साइड आना पीछे के साइड आना भाई I don't know.
वहां भी पूरे फिनिश करेंगे। क्लच गॉड को टीएसएम एंटिटीज इन बिग ट्रबल। स्काउट जाएंगे क्लोज इन करने के, रिकॉर्ड नॉक निकालने की कोशिश करें। सामने वाले स्क्वाड हाउस में जॉन इतन है, क्या जी गॉड फिनिश हो जाएंगे? नियो एडीएस देने की जरूर कोशिश करेंगे बट ही इज फॉलिंग बैक। उनको पता है कि अब ऊपर रुके तो ऑरेंज रॉकेट प्लेयर्स किसी भी टाइम पे वो एग्रेशन एक्स्ट्रा एग्रेशन दिखा के उनको पूरा फिनिश कर सकते हैं। बट जॉन इतन एडीएस जरूर दे रहे थे, नियो फॉल बैक कर सकते, डासिया वहां पे जॉन इतन नीचे आ सकते, बट उसके पहले ऑरेंज रॉक का स्क्वाड आएगा, पुश इन करेगा। अब 2 vs 4 की सिचुएशन जरूर बनेगी। वीरू यहां पे स्काउट पीछे से एडीएस दे रहे, मावी का एक ग्रेनेड खोलेगा, क्या वापस से द मैन विद द गोल्डन हैंड वो रिजल्ट्स निकाल पाएंगे देखना पड़ेगा। बट नियो भी फिलहाल ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं। मीनवाइल अपने जो टीममेट है जॉनथन और नियो इंस्टेंटली बैक ऑफ कर चुके हैं, वो कंपाउंड का कैप्चर ऑरेंज रॉक ले कर लिया है। बट जॉनथन यहाँ पे फाइट लेने के फिराक में आ चुके हैं, यहाँ पे सिरेज के बिल्कुल नीचे यहाँ पे मौजूद है। मुझे लगा था बैक ऑफ करेंगे बट नहीं, टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स अभी भी डिटरमाइंड है कि ये फाइट फोर्स आउट करने वाले हैं। नियो यहाँ पे एक अच्छा खासा राइट एंगल बना रहे हैं बट कवर फायर के दायरे में नहीं है। बट जॉनथन ने यहाँ पे एक शानदार नॉक निकाला है ऑरेंज रॉक के वीरू के ऊपर और इसी के साथ अपना पोजीशन भी देके बैठते बैठे ऑरेंज रॉक के मवी के शिविशान यहाँ पे ग्रेनेड फेंक सकते हैं। बट नियो ने यहाँ पे गेल को भी नॉक कर दिया, 2v2 का फाइट चलता हुआ। नियो यहाँ पे कोशिश करते हुए तीसरे प्लेयर को नॉक करने की बट मवी भी नॉक हुए थे। बट जॉनथन का आई थिंक एक 1v1 फाइट चल रहा है स्काउट के अगेंस्ट ऑरेंज रॉक का, स्काउट वर्सेस टीएसएम एंटिटी। जॉनथन देखना पड़ेगा कौन जीतता है इस फाइट में। जॉनथन यहाँ पे अग्रेसिव जा रहे हैं, मवी को यहाँ पे फिनिश करेंगे। स्काउट ने यहाँ पे शॉट लिया, जॉनथन यहाँ पे हावी होते हुए स्काउट के ऊपर और उनको फिनिश कर भी देगा। और इसी के साथ टीएसएम एंटिटी बहुत ही शानदार 2v4 फाइट लेते हुए और सर्कल के अंदर एक अच्छा कंपाउंड जरूर लेने की कोशिश करेगा। बट बीटीआर की बात कर रहे तो काफी यूनिक स्ट्रैट्स उनकी तरफ से देखने को मिल रही है और यहाँ पे केओजी का फाइट हो सकता है टीएसएम एंटिटी के साथ। देखते हैं सुप 7 कितना ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, क्लच गॉड यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे 3 प्लेयर्स के साथ। छोटी सी गाड़ी में बैठ के आने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे गाड़ी फूट भी सकती है केतन। बिल्कुल बट यहाँ पे स्लैमन आ चुका है फॉर श्योर, क्लच गॉड का ये लोग पैनिक हो चुके हैं। 3 vs 4 का सिचुएशन यहाँ पे, ऑलमोस्ट मैं कहना चाहता हूँ 3 vs 3 बिकॉज ब्रागो को यहाँ पे ऑलरेडी नॉक डाउन कर दिया गया। बट यहाँ पे नियो क्लोजिंग करने की कोशिश, एक मॉलोटोव यहाँ पे डाला गया है जस्ट टू मेक श्योर कि प्लेयर थोड़ा सा वहाँ पे डिले कर सके फाइट एंड उसके चलते ब्रागो पूरे फिनिश नहीं होते हैं, उनको रिवाइवल की यहाँ पे प्रक्रिया में जाते हैं। यहाँ पे बीटर के जक्सी को पूरा फिनिश कर दिया गया किल फील्ड में, जैसा आप देख सकते हो ब्रागो क्या रिवाइवल लगाने। बट यहाँ पे नियो का एक बहुत ही बढ़िया एक ग्रेनेड जाता है उसके चलते पहला नॉक किंग ऑफ गेमर का यहाँ पे निकाला बिकॉज ब्रागो को मिल चुका है यहाँ पे रिवाइवल एंड एक प्लेयर फिनिश भी हो गया बिकॉज जॉनथन का एक फॉलो अप मॉलोटोव गया था एंड मॉलोटोव डाल के प्लेयर्स को फाइट वो डिले करवा रहे, वो स्टेयर्स के पीछे रोका हुआ उन लोगों को जी गॉड के सामने। बट यहाँ पे प्लेयर है बट जॉनथन यहाँ पे नहीं रुकने वाले, ही वांट टू टेक दैट फाइट 1 vs 1 एंड 1 vs 1 फाइट में जीतते हो आप। यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर केओजी के बचे हैं, ब्रागा को रिवाइवल मिला था उसके चलते उनकी 75% एचपी है। बट यहाँ पे कंसेप्ट पैप खड़े हुए हैं उसी के साथ, यहाँ पे प्री फायर करने की कोशिश करेंगे, गन स्विच करेंगे बट उतने तक यहाँ पे टीएसएम के प्लेयर्स नहीं रुकने वाले उसके चलते किंग ऑफ गेमर्स का खात्मा यहाँ पे होता हुआ टीएसएम एनटीटी के द्वारा। तीसरा यहाँ पे चलते हुए यहाँ पे उनकी फाइट जरूर, बट यहाँ पे टीम सीक्रेट जरूर यहाँ पे ये वाली फाइट निकालना चाहेगी बिकॉज 2 प्लेयर से मात्र बचे बट ये 2 मात्र प्लेयर अपनी जो प्लेयर्स थे उनका यहाँ पे रिवेंज निकालना चाहेंगे। एक यहाँ पे बहुत बड़ी फेक्ट दूसरा प्लेयर भी नॉक उसी के चलते दिस इज 2 vs 2 बट यहाँ पे जी गॉड को लॉकडाउन करेगा। पीछे से ट्रेड आया था, 2 प्लेयर अभी थे वहाँ पे बट क्लच गॉड ये प्लेयर एक सर्वाइवल जरूर है। बट यहाँ पे फुटस्टेप आ चुके जरूर, यहाँ पे फ्री फायर के चलते यहाँ पे यू हाई को अच्छा खासा डैमेज उन्होंने दे दिया, वापस एक फ्री फायर डालेंगे यहाँ पे S12K का यहाँ पे मेटा दिखाते हुए क्लच गॉड रीलोड में जाएगी उनकी गन बट ऊपर से अभी भी ट्राई करी शॉट गन की फाइट यहाँ पे चलती हुई। देखते हैं किसकी बुलेट यहाँ पे पहले कनेक्ट होगी, वो 12 गॉज जो एक एमोनेशन होती है यहाँ पे शॉट गन की वो अगर ज्यादा क्लोज रहता है तो ज्यादा डैमेज पड़ता है। बट यहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस उसके चलते यहाँ पे क्लच गॉड थोड़ा सा यू नो अब उनको टाइम देना नहीं चाहिए बिकॉज उनको पता है कि चारों प्लेयर रिवाइव हो गए तो दिक्कत आता है बट उनके भी प्लेयर को वो रिवाइव दे सकते हैं। अब वो 2 vs 4 का सिचुएशन वापस से बना सकते हैं बट यहाँ पे क्लच गॉड ने आई शॉट को लगा दिया एंड 1 vs 4 साइड यहाँ पर TS70 वर्सेस ऑरेंज रॉक होता है, मावी के हाथ में ग्रेनेड है, दिक्कत ऑब्वियसली यहाँ पर देना चाहेंगे। एंड ये जो लेजेंडरी फाइट हम बोल रहे थे यहाँ पर अर्ली स्टेज में दिखती हुई, वहां पर जीगॉड को हल्का सा डैमेज हुआ ग्रेनेड ने, चाहे नॉक नहीं किया बट डैमेज जरूर निकाला। क्लच गॉड भी अपने ग्रेनेड्स निकालते हुए नियो ऊपर आ चुके, गेटिंग द अपर हैंड बट कैन ही गेट द अपर हैंड द फाइट, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। यहाँ पर जीगॉड उसी का इस्तेमाल करते हुए जॉनथन ग्रेनेड्स को अंदर की तरफ लेकर जाते हैं बट अभी के लिए कोई भी डैमेज नहीं दिया गया इन फाइट्स के अंदर। बट ये फाइट एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है। जॉनथन राइट साइड पर आप देख सकते हैं वैम्पायर पीछे के एरिया
यहाँ पर थोड़े से शॉट्स लिए जा रहे हैं एज ऑफ नाउ, बट सी गॉट पीछे से गाड़ी को लेकर क्या वो वेट कर रहे हैं कि प्लेयर्स जा रहे हैं या फिर क्या सीनरी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन एक और गोली अगर लगती है तो मुश्किल हो सकती थी, बट टीएसएम एंटिटी सी गॉट इज स्टिल गोना बी सेफ आउट देयर। जॉनथन ऊपर के एरिया पर आ रहा है, क्लच गॉट फिर स्टिल थोड़ा सा पीछे के एरिया पर, ऑब्वियसली यू नो छत का जो एरिया है ये क्लच गॉट ने अच्छे से होल्ड कर रखा है, जैसे कोई प्लेयर पीछे की तरफ को आता है इट कैन बी गुड थिंग एंड आई गेस उन्होंने वैम्पायर को स्पॉट कर लिया, स्पॉट एज इन पता चल चुका है, एंड वहां पर मोलोटोव ने डैमेज करना शुरू कर दिया, मोलोटोव इज डूइंग एवरीथिंग इट कैन एंड मोलोटोव के पास काफी ज्यादा करीब यहां पर वैम्पायर, अगर ग्रेनेड होता तो ये एक बल्क डैमेज देकर जाता वैम्पायर, हील कर चुके हैं, वैम्पायर भी हील कर चुके हैं अपने आसपास स्मोक लगा के, वैम्पायर थोड़ा सा सेफ रहने की कोशिश, बट टीएसएम के प्लेयर्स उसके ऊपर डाइव अप करते हुए एक के बाद एक, एंड जॉनथन अगर डाइव करते हुए सामने सीधा प्लेयर को नीचे गिराते हैं, एंड वैम्पायर को इंस्टेंट नॉक और फिनिश किया जाएगा, ऑरेंज रॉक के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी है, और टीएसएम के प्लेयर्स एक एक करके ऑरेंज रॉक के सारे प्लेयर्स को फ्लश आउट करने की यहाँ पे कोशिश करें, नियो ने एक प्लेयर को आउटर पर स्पॉट आउट किया था, बट जी गॉड को वहां पर नॉक डाउन किया जाएगा, and the finish comes in as well. Orange Rock 3v3 की situation में numbers को लेकर आती भी और जो fight unbalanced चली गई थी हल्की सी उसको balance यहाँ पे कर दिया गया है, वापस से balance किया गया fight को, लेकिन अभी के लिए दूसरी side Mega versus MCZ पे होता हुआ आप देख सकते हैं kill feed पूरा का पूरा एक तरीके से dance कर रही है यहाँ पर, and यहाँ पर Orange Rock जैसे कि आपने बोला perfectly balanced as all things should be, वही चीज यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, TSM entity नहीं हो spot करने की कोशिश करेंगे, TVB का काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर निकल कर आता है, दूसरी साइड वहां पर Orange Rock के प्लेस के लिए मुश्किल हो सकती है, हो चुकी है, वीरू डॉग जाते हैं, दलजीत फाइट लेते हैं, क्लच वर्ड को डाउन किया, मावी की हेल्थ काफी कम, एंड पूरा ऑरेंज चौक का सफाया, TSM entity Mirabar is their map for statement, but this is the thing that I was talking about, the unlucky dip jo yahan par rehta hai, because TSM entity ab ye Jonathan ka grenade jata hai scout ki direction mein zarur tha, but then Neo ke paas bhi grenade aaya tha, kill wahan par down zarur the, but then mushkilein ab ye aa rahi hain ki har taraf se grenade ja rahe hain, and wo dip ek important wo area ban jata hai jahan par grenade jayenge to maximum damage niklega abhi, ji ha yahan pe orange rock ki jo movement area restrict ho gayi thi, aur isi ke sath Neo ka बहुत ही शानदार ग्रेनेड आया, मवी और वीरू दोनों प्लेयर्स नॉकआउट हो चुके हैं, और इसके साथ टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाएंगे, गेल फिलहाल जी गॉड को नॉकआउट कर चुके, बट गेल काफी ज्यादा लो है, गेल को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया, क्लच गॉड यहाँ पे पीछे से बहुत ही शानदार कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑरेंज रॉक के स्काउट लास्ट मेंबर सर्वाइविंग अपनी टीम के लिए, और इनको अभी टीएसएम के पूरे स्क्वाड के साथ डील करना पड़ेगा, जी गॉड फिलहाल नॉक होकर पड़े, जॉनथन ने यहाँ पे ऑरेंज रॉक के स्काउट को स्पॉट कर लिया, यहाँ पे फाइट चलता हुआ फिर से यहाँ पे जॉनथन स्काउट को फिनिश करेंगे, और इसी के साथ ऑरेंज रॉक हो चुके हैं इस गेम से एलिमिनेट। बिल्कुल अभी आपकी स्क्रीन में सेल्स का शॉट पूरा एलिमिनेट हो चुका था, एक आने के का शॉट जाएगा वहां पे एफएस के पुत्र उसको नॉकडाउन करके, बट टीएसएम एंटिटी दे आर टेकिंग फाइट विद पीटीआर, जी गॉड 1 एचपी जरूर थे बट वो अपने लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं फाइट, मॉब का स्क्वाड राइजन को पूरा फिनिश करेगा, बट सक्सी अभी भी सामने वाले कंपाउंड में इकलौते प्लेयर ऐसे हैं जो सामने वाले कंपाउंड में टीएसएम कैन टेक दिस फाइट, क्लच गॉड एग्रेसिवली आगे एक और ग्रेनेड पुल करके फेंकते हुए जॉनथन आएंगे पीछे से कवर फायर के लिए, माइक्रो बॉय का किल अभी भी कंफर्म कर सकते हैं, क्लच गॉड वापस से ग्रेनेड पुल करा है जरूर, क्या वो किल कंफर्म हो पाएगा कि नहीं, गोडार्ड वहां पे मेगा के स्मैक को पूरा फिनिश कर, मेगा स्टार को भी एलिमिनेट करेंगे, उनको पता है किसी कंपाउंड के ऊपर फाइट है, और अभी एक लाइक वाज दैट अ स्टन ग्रेनेड और स्मोक, या दैट वाज अ स्मोक ताकि बीटीएसएक्सी नीचे ना आ सके, स्टन भी था वहां पे एक, नो नो दैट was just a smoke obviously, वो पिन का आवाज वो उससे लगा, but then that was a smoke ताकि ये जक्सी नीचे ना आ पाए, and उसके बाद ये एक smoke करने के बाद शायद grenade पे pull up कर सकते हैं, काफी अच्छा यहाँ पर IQ strat डाला जा रहा है, BTR जक्सी goes down by that grenade, that was impressive, bigger round का यहाँ पर elimination देखने को मिलता हुआ, TSM entity चाहे वो बाद में number पे निकलती है, Ocean back to back kill feed जो भाग रही है, इसका मतलब भाई zone छोटा है, player ज्यादा है, जोन छोटा है प्लेयर ज्यादा, लेकिन फाइट सबको करनी है यहाँ पर, जीतने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, अल्ट्रॉन ने वहां पर थोड़े से प्लेयर्स को पिकअप करने का ट्राई किया था, लेकिन अल्ट्रॉन के पास सिर्फ 17 बुलेट बस गया, 35 हो चुकी है, लेकिन देखना पड़ेगा किस तरीके से ये उजी फाइट ले पाती है, उजी नहीं फाइट ले पाएगी, और सेल्स यहाँ पर एलिने का, बट देन स्लोली रिवाइव मिल जाएगा, डूड एक एरिया से बैठे हुए देख रहे हैं, शैडो मैक्सेस को रिवाइव देना चाहेंगे, डूड ने स्पॉट किया है क्लच गॉड को, बट देन शॉट्स इनके ऊपर भी आए, काफी ज्यादा डैमेज किया जा चुका है, देखना पड़ेगा कैसे आगे पूरा 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 का पूरा गेम जाता है, क्लच गॉड और नियो आगे मूव कर रहे हैं, मिस्टर यूजू को डाउन किया वापस सिनर्जी के सीरवी ने, सिनर्जी इस फाइट में वापस आती है, अपनी एक वापसी बरकरार करती है, क्लच गॉड आप देख सकते हैं आगे मूव कर चुके हैं, नियो मूव कर चुके हैं, जॉनथन मूव कर चुके हैं, जी गॉड काफी पीछे हैं, सीरवी स्पॉट करना चाहते हैं मिस्टर यूजू को, ऑब्वियसली फिर डैमेज देने की ट्राई किया था, क्लच गॉड काफी ज्यादा लो हो चुके हैं, बट देन नो टाइम टू हील राइट नाउ, एंड क्लच गॉड को डाउन किया काफी प्यारे तरीके से मार्कस गेमिंग के प्लेयर्स ने, इनके पास 6 किल्स हैं, ये गेम एमजीजेड का हो सकता है, 6 किल्स ऑलरेडी बटोर चुकी है ये टीम जो कि एग्रेशन के लिए जानी जाती है, एक और ग्रेनेड साइड में आता है, ग्रेनेड यहां पर नियो को लेकर जाएगा या नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा चुका है, एक फर्स्ट एड नहीं लग पाई प्रॉपरली एट दी एंड, एंड यहां पर देखना पड़ेगा किस तरीके से गेम जाता है, लेकिन एमजीजेड के प्लेयर्स को भी डाउन किया जा चुका है, एंड दैट माइट बी दी एंड ऑफ मार्कस गेम, नहीं है बट यहां पे ऑस्टिन वॉटर्स ओपन में आते हुए एंड ही विल गेट नॉक डाउन, नियो ने
वहां पे नॉक कर रहा है, एक ब्लाइंड पुश वहां पे था सिनर्जी के ऑस्टिन का एंड वहां पे फिनिश करा नियो ने। पीछे तीन प्लेयर बिल्कुल चुस्त रहेंगे बिकॉज उनको अब एक पोजिशन लेनी पड़ेगी जहां पे कहीं से भी गोलियां पड़ जाए, बिकॉज टीएसएम का एक प्लेयर स्पॉट हुआ है बाकी तीन नहीं। पीछे से वीएसजी क्रॉलर्स भी रोटेशन डालते हुए टेड यहां पे अपनी स्लो मोबाइल वापस है सामने जाता हुआ। दैट वॉज समथिंग ब्लाइंड फ्रॉम टीम सिनर्जी, उन लोगों को वापस से गनशॉट जो वहां अब यहां पे एक और प्लेयर सीरवी के सामने आता हुआ ब्रोकर वॉल पे टीपी प्लेयर है फिनिश होते हुए वहां पे सिनर्जी के टेड क्लच गॉड ने। जिनके प्लेयर जिंदा एक ग्रेनेड यहाँ पर जाता है, मैडी थोड़ा सा पीछे रह गया एज नीचे की तरफ सैंडी ऊपर आना चाहेंगे, अगोरी वाइटी को वहां पर फिनिश कर चुके हैं जो एलजी के प्लेयर्स थे, बट एलजी के प्लेयर्स के लिए मुश्किल है उस क्लच गॉड आते हैं और एजे को सीधा पिक ऑफ। जी हाँ, एजे को वहाँ पे पिक ऑफ किया जाएगा और जैसा कि हम देख रहे थे दो टीम्स आई थी यहाँ पे टीएसएम एंटिटी के साथ यहाँ से पुलियाना में, दोनों के एक एक प्लेयर्स बचे। सैंडी बिल्कुल ओपन फील्ड्स में वहाँ पे भाग रहे थे, एनजी गॉड वाज लाइक ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, सैंडी को वहाँ पे पिक ऑफ किया 100 सीसी ईस्पोर्ट्स के मैडी वाईटी अब अकेले बचे और ग्रुप अप कर रहे हैं स्टेयर्स के नीचे। चार्जिंग देखने को मिलता है, मैडी वाईटी रूम के अंदर बैठे थे, एक प्लेयर को भी नॉकडाउन नहीं कर पाया, क्लच गॉड वहाँ पे फिनिश अप करते हैं, स्लैम कर चुके हैं, उनकी कार को थोड़ा डैमेज पड़ा देखते जोनाथन क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे। 486 है उनके पास डैमेज जरूर है, 1v4 कह रहा है बट ऊपर कुछ और किल्स उनके लिए वेट कर रहा है। शेर को यहाँ पे भले ही डैमेज यहाँ पे पड़ा था वो रिवाइव हो चुका है बट यहाँ पे क्लच गॉड के एक ग्रेनेड से सेटन नॉक हुआ था बट ऊपर से एक और ग्रेनेड आता जिसके बदौलत नियो यहाँ पे नॉक डाउन होते हुए नजर आए थे। जोनाथन बैंडेज से अपनी हेल्थ 75% एचपी करेंगे बट अब क्लोज एनकाउंटर में टीएसएम के प्लेयर्स नजर आएंगे जहाँ पे जी गॉड ऊपर आते हैं एंड क्या नॉक डाउन होगा बट नहीं, जी गॉड वाली फाइट अपने नाम करेंगे बट अभी जो शिकारी के प्लेयर्स थे इस वाली फाइट से एलिमिनेट होंगे because TSM ke players they went very aggressively।